सो हेलो कुशली, जैसे आपने देखा था हमने पार्ट वन में हवा महल डाला, उसके बाद हम हवा महल से निकल के हम जा रहे थे सीधा अपने रूम पे। हमें शाम हो गई थी, हम रूम टूर शाम को नहीं दे पाए, तो हमने नेक्स्ट डे पूरा रूम टूर दिया जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। शाम को हमने सोचा था मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, बट मार्केट में हमारे साथ इतना बुरा हुआ वो आपको आगे आगे पता लगेगा। तो हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और आगे देखते रहिए हमारे और भी पार्ट्स, और इन्जॉय करिए जयपुर टूर। सो गाइज, यार हम मार्केट आए कि रात को मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और हम हो गए मट्टी, सारी शॉप हो गई बंद। हम इतना हमें पाव भाजी मिली, हम इसको खाएंगे कि हमें लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। और गोलजी ढूंढ के लाए वड़ा पाव प्लस दावेली, बॉम्बे स्पेशलिटी सब कुछ। चलो गाइज हम खा रहे हैं, हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मार्केट की वजह से मूड इतना ख़राब हो गया था, तो मूड तो अच्छा करना ही था। तो होटल के ऊपर ही एक क्लब था, हम आए वहाँ इन्जॉय करने। आप भी कहिए हमारे साथ इस वाइब को इन्जॉय। रात को काफ़ी मज़े अब हो चुकी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम आए दोनों ऊपर अपना ब्रेकफास्ट करने। अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए हम आए थे इस होटल के फिफ्थ फ्लोर पे, जो बहुत ही शानदार इन लोगों ने बना रखा है। सो गाइस हम आ चुके हैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 9 बजने वाले हैं ना। सो देखो गाइस, मैं तो लई हूँ वड़ा सांभर कटलेट और आलू का पराठा, आलू पराठा लिखी नहीं रहा कटलेट, और ये कुछ नया है ट्राई करेंगे, पता नहीं स्वीट डिश है। सॉरी, खाते हैं हम, जाते नहीं, खाते हैं फिर हम रेडी होएंगे और निकलेंगे। गाइस इतनी अच्छी वैरायटी, मज़ा आ गया नाश्ता करके। यहाँ पे ये स्वीट डिश है 3, और ये स्प्राउट्स वगैरह, जो भी हेल्दी फूड खाना चाहता है। ये हमने टेस्ट किए, हमें अच्छा नहीं लगा, पता नहीं था भी क्या। फ्रूट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ पे जूसेस भी है जिसको चाहिए हो। सुबह सुबह छाछ कौन पीता है वैसे। और ये दिखा सांभर, ये इडली, ये क्या है, अच्छा उपमा, और ये वड़ा, और ब्रेड पकौड़ा, हाँ भाजी, भाजी आलू की सब्ज़ी होगी शायद, आलू की सब्ज़ी जिसको परांठे वगैरह के साथ खाना हो, लग तो भंडारे जैसी थी। वेज कटलेट बहुत टेस्टी थी, है ना, यम थे। और खीर, सुबह सुबह खीर कौन सा आता है, बेक्ड बीन्स और बॉइल्ड एग। और हमने यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बड़ा रखा हुआ है बटर का पैन, फनी। और ये टोस्ट, और हमने एक अलग से ऑर्डर किया था ऑमलेट। सो ये देखो काफ़ी बड़ा एरिया है इनका, फर्स्ट फ्लोर पे खाने का। आई थिंक यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है जब लगा हुआ है। हाँ हम जा रहे हैं बाहर, वाओ, मतलब इन लोगों ने बाहर भी अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसको बाहर बैठना है वो बाहर बैठ सकता है। पता नहीं क्या है, हम यहाँ पे पूरा होटल एक्सप्लोर कर रहे हैं। श्योर, हाँ ये देखो गाइस,
इनके पास एक हॉल है आई थिंक, या फंक्शंस वगैरह जिसको भी जो करना होता है, काफ़ी बड़ा है। ये देखो कहाँ गार्डन में घूम रहे हो। ये कहाँ जा रही है? हो सकता है सर कर रही हो। यहाँ से इसकी एंट्री ज़ोडियक 24 आवर्स रेस्टोरेंट। सो गाइस ये हमारा रूम। सो गाइस आई का करते हैं, ये था हमारा वॉशरूम, ये मिरर, यहाँ पे इन्होंने ड्रायर वगैरह शावर कैप सारी फैसिलिटीज हमें दी हुई है एंड मेरा फेवरेट पार्ट वॉशरूम का। सबसे अच्छा मुझे ये लगा। ओह माय गॉड। तो अब हम करने वाले हैं चेकआउट से। बाय बाय। एंड यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में कल मिरर दी हुई है प्लस इसमें सेंसर लाइट है अंदर, प्लस यहाँ पे भी एक छोटा छोटा सा स्पेस के लिए दे रखा है और ये फ्रिज दे रखा है इन्होंने। हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, हमारा छोटा मिनी बार। और ये अपने आप को फुल लुक में देखने के लिए एक बहुत बड़ा मिरर। और ये था हमारा रूम, प्लस इतना प्यारा सा इन्होंने एक स्टडी टेबल दे रखी है जिसका लैम्प को जो बहुत पसंद आया, इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो देखो भाई कैसे लग रहा हूँ, बोल दिया ना। तो ये हमारा आज का लुक डे टू इन जयपुर। तो बस यही था हमारा रूम। ये ज्यादा ही क्यों बिगड़ा हुआ है ये? यार गाइस कल हम लोग इतना थक चुके थे, हम इतना लेट आए हैं, तो हम इसलिए डे टू नेक्स्ट डे जब हमारा चेकआउट है हम तब इसका आपको दिखा रहे हैं सारा। क्या करना है? ओ माय गॉड, क्या मैं वही जो मैं सोच रही हूँ क्या वही करना चाहते हो? आपका सपना पूरा हुआ। फुल लॉक। ये देखो यार क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हमने टीवी में आज कुछ नहीं देखा और ये हमारी पैकिंग डन हो चुकी है, हम चेकआउट करने वाले हैं। सो क्या लाइटनिंग आ रही है यार, मस्त। बट सबसे अच्छा मुझे लगा कि इस रूम इस होटल के टेरेस पे जो क्लब है जो हम रात को गए थे, सबसे ज़्यादा मुझे वही मस्त लगा और मैंने वही इन्जॉय किया। बट ये थके हुए थे तो ये अभी भी डेड है मुझे ऐसा लग रहा है। ये हमने जो खाया हुआ ऐसे ही रखा हुआ है अभी तक। तो निकलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ से ये देखो फर्स्ट हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम था। आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए आई थिंक। हम जा रहे हैं ऊपर स्विमिंग पूल एक्सप्लोर करने, दिखाते हैं आपको कैफे भी। वो रात वाला व्यू था जो हमने देखा था, है ना? स्विमिंग पूल में तो हम जा ही नहीं पाए बिकॉज ठंड और पानी बहुत ठंडा था, तो हम लोगों ने अवॉइड ही करा क्योंकि मैं वैसे ही तबीयत खराब होके आई हूँ। ये फिफ्थ फ्लोर पे हम लोगों ने यहीं ब्रेकफास्ट किया था। अब हम सिक्स फ्लोर जाएंगे स्टेयर से। सो गाइस बहुत बहुत ही बड़ा होटल है। ओह माय गॉड, सी एक ही जगह पे।
ये है जिम एरिया। ये था वो कैफे, ऑल पैक। रात का क्या व्यू था और सुबह का क्या व्यू है है ना। रात का यहाँ कुछ गजब ही व्यू था। और ये रहा स्विमिंग पूल, द बर्ज। ये जो क्लब है, पहले ये इसी होटल के साथ ही अटैच था, वहाँ से इसकी एंट्री होगी। किसी और को हैंड ओवर कर दिया है, तो अब रात को ही तभी ये बंद हो जाता है पूल, बिकॉज़ यहाँ एंट्री नहीं होती। ये होटल वालों का है, ये किसी और का हो गया। जिम एरिया, स्पेस बहुत छोटा है, तो उन लोगों ने आमने सामने ऐसे जिम बनाए हुए हैं, तो जिम से पीपल के लिए बहुत सही चीज है। ओह ना, अपनी ये 6th फ्लोर जो इन्होंने अब अलग कर दिया, कैफे वगैरह वहीं पे, उसका रास्ता दूसरी जगह से है ना, बट वहाँ पे एक PVR भी है, तो अगर आप लोगों को मूवी देखना हो तो यहीं इसी के साथ ही, होटल के साथ ही अटैच एक PVR है। पहले सब इन्हीं का था, बट अब इन लोगों ने किसी और को हैंड ओवर कर दिया। 3-4 महीने पहले बता रहे थे कि हमने हैंड ओवर करा है। इस होटल का एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी यादगार और काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे चेक इन टाइम आपका 2 बजे का है और चेकआउट टाइम आपका 12 बजे का है, बट यहाँ की हर फैसिलिटी, यहाँ का स्टाफ, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें अच्छी लगी वेलकम ड्रिंक। सो फाइनली अब टाइम आ गया है होटल को बाय बाय करने का। सो बाय बाय खुशहालीज, बनी रहिए हमारे नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी आपको दिखने वाला है जयपुर का सबसे मोस्ट फेमस जगह हमारे पार्ट 3 में। तो हमारी कार आ चुकी है, हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस। सो होटल के यहीं से बिल्कुल बैक साइड में एंट्री है क्लब की और PVR की, आप जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बोल जी यार, मारने का मन कर रहा है। चट 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 कर देंगे, चट चट। सो अब हम आ चुके हैं अपनी कार में और हम जा रहे हैं द मोस्ट फेमस जगह एक्सप्लोर करने, वो है पत्रिका गेट, जो आपको हमारे पूरे नेक्स्ट पार्ट में पूरा उसका व्लॉग देखने को मिलेगा। पत्रिका गेट और नाहरगढ़, दो चीज़ हमने वहाँ पे कवर की थी जो आप हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो इस व्लॉग को ये करते हैं यहीं ख़त्म। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमें प्यार करते रहिए और प्लीज़ हमारे हर पार्ट को, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे को बहुत सारा प्यार दीजिए।